नमस्कार, शंकर स्टडी पॉइंट में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं आलोक तिवारी आज आप सभी लोगों के लिए टॉप 30 हिंदी सीटेट से भाग फर्स्ट को लेके आए हैं, जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होगा सीटेट एग्जाम के लिए, जो हिंदी शिक्षण से है। चलिए शुरू करते हैं। शंकर स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो को विद्यार्थी सबसे पहले देख सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, कक्षा में बहुभाषिता का परिवेश। क्या पूछ रहा है? कक्षा में बहुभाषिता का परिवेश निर्मित करने के लिए आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है, विद्यार्थियों को अपनी भाषा में बोलने के लिए अवसर प्रदान करेगी, उनकी भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ाएंगी, बहुभाषिकता कक्षा में बाधा उत्पन्न करती है इसलिए केवल हिंदी भाषा में ही पढ़ाएंगी। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जो कक्षा में बहुभाषिता, बहुत से भाषाओं का परिवेश निर्मित करने के लिए आप क्या करेंगे? और चौथा ऑप्शन हमारा है एक और दो, दोनों बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसमें हमारा ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर एक। विद्यार्थियों को अपनी भाषा में बोलने के लिए क्या करना चाहिए? अवसर प्रदान करना चाहिए। जहां पर भी अवसर आता है उस ऑप्शन को हम सही करते हैं। तो विद्यार्थियों को अपनी भाषा में बोलने के लिए क्या करना चाहिए? अवसर प्रदान करना चाहिए। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, कक्षा में अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को लोकगीत, कौन सी गीत? लोकगीत सुनाने के लिए कहने का उद्देश्य है। तो कौन सा उद्देश्य है? पहला ऑप्शन है एक दूसरे की संस्कृति से परिचित करवाना, दूसरा है मनोरंजन करवाना। तो पहली बात, यहाँ पे हमारा दूसरा ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि मनोरंजन कराना है। अगला है भाषाई विभिन्नता से परिचित करवाना। तो पहला हमारा एक सही हो गया कि एक दूसरे की संस्कृति से परिचित करवाना, और तीसरा हमारा जो है सी ऑप्शन, भाषाई विभिन्नता से परिचित करवाना। तो दो हम लगाएंगे नहीं, तो इसलिए ए भी और ए भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, 1 और 3 दोनों। चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है हम लोग का, त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य है। त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य क्या है? देश में बहुभाषी संवाद के परिवेश को बढ़ावा देना, पहला ऑप्शन। दूसरा है विदेशी भाषा से परिचित कराना, तीसरा है भिन्न संस्कृति से परिचित कराना। तो बताइए, और चौथा हमारा है उपरोक्त सभी, इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य क्या होता है? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होता ऑप्शन नंबर सी, भिन्न संस्कृत से परिचित कराना, या किसका उद्देश्य है? त्रिभाषा का उद्देश्य होता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है हम लोग का, भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल है। क्या पूछ रहा है? भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल है, क्या है? सुनना है कि बोलना है कि पढ़ना है कि लिखना है? तो सबको पता है कि भाषा दक्षता का जो प्रारंभिक कौशल होता, पहला नंबर हमारा कौन सा होता है? पहला हमारा है सुनना, दूसरा क्या है? बोलना, और तीसरा क्या है? पढ़ना, और चौथा क्या होता है? लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो कौन सा पूछा है? प्रारंभिक कौशल। पहला कौशल कौन सा है? तो वह हमारा है
सुनना, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है हम लोग का सुनना कौशल के बारे में, क्या पूछ रहा है? सुनना कौशल के बारे में कौन सा उचित नहीं है? तो नहीं है तो इसको टिक कर लीजिए कि नहीं बताना है हमको। सुनना कौशल के बारे में कौन सा नहीं है? तो पहला ऑप्शन है सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है, दूसरा है सुनना कौशल मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है, तीसरा है सुनना कौशल अन्य कौशलों या कौशल के विकास में सहायक है, अगला है सुनना कौशल का विकास भाषा के नियमों को पहचानने उनका निर्माण करने में सहायक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा बताइए? तो इसमें हमारा जो लिखा है नहीं पूछा है, किसमें देना है नहीं, तो ये सभी हमारे क्या हैं? हैं। और हमारा गलत कौन सा है? हमारा गलत यही है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा सही, और ये सही वाले सब क्या हो जाएंगे गलत, क्योंकि हमसे पूछा है किसमें नहीं में। तो सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा यह होगा सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है। ठीक, तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हम लोग का विकास अपनी कक्षा में, विकास अपनी कक्षा में बच्चों से श्रुतलेख लिखवाता या श्रुतलेख लिखवाता है, तो वह श्रवण कौशल को विकसित कर रहा है, वह लेखन कौशल को विकसित कर रहा है, वह वाचन कौशल को विकसित कर रहा है, अगला है श्रवण एवं लेखन दोनों कौशलों को विकसित कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? बताइए इसमें कौन सा सही होगा? विकास जो है वह अपनी कक्षा में बच्चों से श्रुतलेख लिखवाता है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? सुन करके लिखना श्रुतलेख, तो इसमें हमारा ऑप्शन सही होता है डी ऑप्शन। कौन सा सही होगा? डी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि श्रवण एवं लेखन सुन करके लिखना दोनों कौशलों को विकसित कर रहा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। यहाँ पे क्या था पहले ऑप्शन में? वह श्रवण कौशल को, केवल एक श्रवण कौशल नहीं है, यहाँ पे क्या है श्रुतलेख सुन करके लिखना, तो ये भी गलत हो गया। अगला है लेखन कौशल, तो एक कौशल का विकास तो हो नहीं रहा है क्योंकि दो कौशल का हो रहा है। अगला है वह वाचन कौशल, केवल बोल तो रहा नहीं है या, तो इसमें कौन सा होगा? श्रुतलेख सुन करके लिखना, तो ऑप्शन नंबर ई डी इज करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हम लोग का व्याकरण के नियमों को कंठस्थ नहीं करवाया जाता। पहले यहाँ पे नहीं पे क्या करना है हमको? गोला कर देना है, क्योंकि हमको इसका आंसर किसमें देना है? नहीं में। व्याकरण के नियमों को कंठस्थ नहीं करवाया जाता है, तो पहला ऑप्शन है पुस्तक विधि में, दूसरा है आगमन विधि में, तीसरा है हम लोग का निगमन विधि में, और अगला है लास्ट सूत्र विधि में, चौथा ऑप्शन। तो पुस्तक विधि तो होगा नहीं और सूत्र विधि होगा नहीं। अब यहाँ पे हमको इसमें और इसमें बताना है, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन में, कि आगमन विधि में होता है कि निगमन विधि में होता है। तो हम लोग को पता है कि जो आगमन विधि होता है वह उदाहरण से किस तरफ चलता है? उदाहरण से सूत्र की तरफ, और निगमन विधि जो होता है नियम से उदाहरण की तरफ चलता है। तो इसमें कंठस्थ नहीं करवाया जाता है, व्याकरण के जो नियम होते हैं उनको कंठस्थ नहीं करवाया जाता, तो किसमें नहीं करवाया जाता? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, आगमन विधि में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है हम लोग का मौन वाचन से क्या लाभ है, क्या बोल रहा है? मौन वाचन से क्या लाभ है? ज्ञान की वृद्धि, ज्ञान की वृद्धि करना, अगला है अवकाश के समय का सदुपयोग करना, अगला है खरीदी गई किताब का सदुपयोग, अगला है शारीरिक वृद्धि। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा?
बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो पहला है ज्ञान की वृद्धि, दूसरा हमारा है अवकाश के समय का सदुपयोग, ये तो गलत है। अगला है खरीदी गई किताब का सदुपयोग, शारीरिक वृद्धि क्योंकि मौन वाचन वह कर रहा है, शांत पूर्वक वाचन कर रहा है तो इसका लाभ क्या होगा, तो लाभ इसका होगा कि वह ज्ञान की वृद्धि कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले की तरफ चलते हैं। अगला हम लोग का भाषा कौशलों के संदर्भ में, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, किसके कौशल में, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा सही है। सुनना बोलना पढ़ना लिखना एक क्रम से सीखे जाते हैं। अगला है सुनना पढ़ना निष्क्रिय कौशल है, अगला है पढ़ना लिखना कौशल से कोई संबंध नहीं है, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि सही बताना है सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं, ये भी सही है हमारा। लेकिन सबसे बढ़िया हमारा जो ऑप्शन होगा इसमें हमको वही टिक करना है, तो हमारा सबसे अच्छा जो है वह सभी कौशलों का एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित होते हैं, तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है पठन कौशल से अभिप्राय है, किसे पढ़ने वाले या पठन कौशल से अभिप्राय क्या है। तो लिपि चिन्हों की पहचान, लिपि चिन्ह की बात ही नहीं है यहाँ पे क्योंकि पढ़ने कौशल से है, शब्दों को पढ़ना, वाक्यों को पढ़ना, पढ़कर समझना, तो कौन सा सही होगा बताइए, शब्दों का पढ़ना होगा कि वाक्यों का पढ़ना होगा कि पढ़कर समझना है। तो जब हम पठन कौशल करते हैं तो इसमें हमारा सबसे अच्छा जो ऑप्शन है क्योंकि हम पढ़कर समझ रहे हैं, पढ़कर क्या कर रहे हैं समझ रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए अगले पे चलते हैं। शंकर स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आप सभी को टेट सुपर टेट सीटेट के लिए अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलती रहे। शंकर स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हम लोग का है मौखिक कौशल का उद्देश्य है, क्या पूछ रहा है, मौखिक कौशल का उद्देश्य है, मौखिक कौशल का क्या उद्देश्य है। तो जो मौखिक कौशल का उद्देश्य है वह हमारा है उचित गति, योम लय से आत्मा, आत्माभिव्यक्ति, किसी के विचारों को सुनकर उन्हें पुनः शब्दशः बोलना, तो किसी का विचार सुनकर के बच्चा पुनः वही चीज तो बोल नहीं सकता, इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बोल बोल कर लिख सकना, बोल बोल कर क्या करना है, लिख सकना है यहाँ पे। और अगला है चौथा ऑप्शन अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ सकना, तो यहाँ पे सबसे अच्छा जो ऑप्शन होगा हमको वही टिक करना है क्योंकि कोई बच्चा बोल बोल कर लिख सकता है, पढ़ भी सकता है, तो यहाँ पे हमारा जो सबसे अच्छा ऑप्शन होगा वह हमारा ऑप्शन होगा उचित गति, मतलब उसकी जो गति हो वह उचित हो, लय हो, से आत्मा अभिव्यक्ति करना, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हम लोग का भाषा की शिक्षिका, भाषा की शिक्षिका विद्यार्थियों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराने के लिए वर्ग पहेली का प्रयोग करती है, वह क्या कर रही है, यहाँ पे भरना है कि वह किसका प्रयोग करती है, प्रयोग विधि का प्रयोग कर रही है या व्याकरण शिक्षण विधि का प्रयोग कर रही, खेल विधि का कर रही, पुस्तक विधि का कर रही है। भाषा की शिक्षिका है जो विद्यार्थियों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराने के लिए, किससे, व्याकरण केवल परिचित यहाँ पे है, क्या है, नियमों से परिचित कराने के लिए, तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होता है वह होता है खेल विधि का, खेल विधि का यहाँ पे क्या किया जा रहा है, वह प्रयोग कर रही है परिचित कराने के लिए व्याकरण से,
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 13, बच्चों की सशक्त लेखन, बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है क्या है? सबसे अच्छा जो ऑप्शन होगा वही टिक करना है। पहला है सुंदर लिखावट, दूसरा है अलंकारिक भाषा, तीसरा है सशक्त वाक्य और चौथा है मौलिक विचार। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें हमारा जो सबसे अच्छा होता है वह होता है क्या? मौलिक विचार। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है सुनना कौशल, कौन सा कौशल? सुनना कौशल में शामिल है, सुनना कौशल में क्या शामिल है? सुने हुए शब्दों की केवल पुनरावृत्ति, दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया। अगला है प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़ने की क्षमता का विकास। अगला है शांति पूर्वक सुनना। बताइए इसमें कौन सा सही होगा। सुनना कौशल, कौन सा कौशल? श्रवण कौशल या सुनना कौशल में शामिल है, क्या शामिल है? पहला ऑप्शन है सुने हुए शब्दों की केवल, केवल शब्द आ गया तो ये गलत। अगला है प्रश्नों को ध्यान पूर्वक सुनने की क्षमता का विकास, ये कुछ सही है, ध्यान पूर्वक क्षमता का विकास, शांति पूर्वक सुनना भी सही। लेकिन सबसे अच्छा जो ऑप्शन है दूसरों की बात सुनने में रुचि होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए और प्रतिक्रिया भी होनी चाहिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है मौखिक अभिव्यक्ति, क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को प्रभावी बनाने में सहायक है, क्या सहायक होता है? प्रश्नोत्तर विधि होता है, अवसरानुकूलता होता है, एक और दो दोनों होगा और डी हमारा अनुलेख है। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा वह होगा प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि मौखिक में अभिव्यक्ति के कौशल के बारे में पूछ रहा है, प्रभावी बनाने, सबसे अच्छा प्रभावी बनाने में तो प्रश्नोत्तर विधि है। दूसरा अवसरानुकूलता, तो हमारा दोनों ये होंगे नहीं, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जब एक से ज्यादा ऑप्शन है, क्योंकि ये भी सही था और ये भी सही था, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हम लोग का मोहिका, मोहिका कक्षा 8 की भाषा की अध्यापिका है, वह व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाने के स्थान पर छात्रों को उन नियमों का प्रयोग करने के लिए कहती है। कौन है? मोनिका जो कक्षा 8 की भाषा की अध्यापिका है, वह व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाने के स्थान पर छात्रों को उन नियमों का प्रयोग करने के लिए कहती है, उसका उद्देश्य क्या है? व्याकरण को रुचिकर बनाना, व्याकरण के व्यवहारिक प्रयोग पर बल देना, अगला है एक और दो और अगला है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हुआ। तो इसमें हमारा व्याकरण को रुचिकर भी बनाना सही है, व्याकरण के व्यवहारिक प्रयोग पर बल देना भी सही है। तो हमारा एक से दो ऑप्शन सही हो गया, तो हमारा यहाँ पे सी भी ऑप्शन है जिसमें लिखा है एक और दो दोनों, तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, ये गलत हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, एक और दो। चलिए अगले पे चलते हैं। अगला है हम लोग का सभी भाषाई कुशलताएं, सभी भाषाई कुशलताएं एक दूसरे से अलग हैं, एक दूसरे से बढ़कर हैं, एक दूसरे से प्रभावित नहीं करती, एक दूसरे से संबंध है। बताइए कौन सा सही हुआ। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो सही होता है वो ऑप्शन नंबर डी सही होता है, एक दूसरे से संबंध। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 18, भाषाई कौशलों के या भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही बताना है, क्या बताना है? सही है, सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं, सभी भाषाई कौशल पाठ पुस्तक से विकसित होते हैं, कोई भी भाषाई कौशल अंतर संबंधित नहीं है, सभी भाषाई कौशल अंतर संबंधित है। तो नहीं वाला तो ऐसे भी कट गया,
सभी भाषाई कौशल अंतर संबंधित हैं, सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं, सभी भाषाई कौशल पाठ्यपुस्तक से ही विकसित होते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होता है वह होता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए अगले की तरफ चलते हैं। अगला है व्याकरण शिक्षण का महत्व। व्याकरण शिक्षण का महत्व सबसे कम है, किसमें सबसे कम होता है? लेखन कौशल के विकास में, शुद्ध वाचिक अभिव्यक्ति में, लोकोक्तियां व मुहावरों के द्वारा भाषा के प्रयोग में, भाषाई प्रयोग में, पाठ पुस्तक के शुद्ध पठन में। व्याकरण शिक्षण का महत्व पूछ रहा है छोटे बच्चों के लिए और सबसे कम महत्वपूर्ण है। लेखन कौशल के विकास में तो है, शुद्ध वाचिक अभ्यक्त में भी, लोकोक्तियां व मुहावरों के द्वारा के प्रभावी प्रयोग में, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि पाठ्य पुस्तक के शुद्ध पठन में। अभी तो बच्चा है, सीख रहा है, तो शुद्ध शुद्ध नहीं पढ़ पाएगा, तो इसलिए सबसे कम पूछा था। क्या पूछा था? सबसे कम। तो यही हमारा ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो 19 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। चलिए 20 पे चलते हैं। सुरेश, क्या लिखा है? सुरेश ड के स्थान पर र उच्चारित करता है, यह उसके लेखन कौशल को प्रभावित करेगा, उसे मौखिक कौशल में निरूपता प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करेगा, उसकी भाषा को रोचक बनाएगा, भाषाई कौशलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन होता है सबसे अच्छा ऑप्शन, क्योंकि हमको बताना है, क्योंकि वह ड के स्थान पर र उच्चारित करता है। क्या करता है? ड के स्थान पर र उच्चारित करता है, तो यह उसके लेखन कौशल को प्रभावित करेगा, उसे मौखिक कौशल में निरूपता प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करेगा। सही बात है कि वह अगर मौखिक में पढ़ रहा है, ड को र पढ़ेगा, तो वह निरूपता में प्राप्त नहीं हो पाएगा और उसमें क्या हो जाएगी, बाधा उत्पन्न करेगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए, और ये सब तो वैसे भी गलत है। सी क्या, उसकी भाषा को रोचक, जब वो गलत बन रहा है तो बता रहा है या पढ़ रहा है तो उच्चारित कर रहा है, तो भाषा का रोचक कहाँ से बनेगा, भाषाई कौशल पर कोई प्रभाव नहीं, तो ये गलत है। उसके लेखन कौशल को प्रभावित करेगा, तो यहाँ पहली बात तो उच्चारित का बोल रहा है या भाषा पढ़ने के लिए कह रहा है, उच्चारण करने के लिए, तो लेखन कौशल भी है, तो इसलिए भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। 21 में बोल रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषिक रेखाकन और चित्रांकन लेखन अभ्यास का महत्वपूर्ण चरण है, एक सह शैक्षणिक गतिविधि मात्र है, बच्चों की अनुसरण प्रवृत्ति की पोषित करना है, काव्य व्याख्या का एकमात्र है। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्राथमिक स्तर का बालक है, वह भाषिक रेखांकन और चित्रांकन, रेखांकन और चित्रांकन का कार्य कर रहा है, तो इससे बच्चा बच्चे में काव्य व्याख्या का एकमात्र साधन है। काव्य व्याख्या का तो होगा नहीं, बच्चों का अनुकरण प्रवृत्ति की पोषित करना है, तो ये भी नहीं होगा। अगला है एक सह शैक्षणिक गतिविधि मात्र है, नहीं, क्योंकि वह क्या कर रहा है, केवल रेखांकन और चित्रांकन, तो लेखन से संबंधित होगा, क्योंकि लेखन अभ्यास का महत्वपूर्ण चरण है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है प्रत्यक्षीकरण है। प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? प्रत्यक्षीकरण है विद्यार्थियों को शब्दों को पहचानने के अवसर देना, विद्यार्थियों को बिना देखे शब्द लिखने के लिए कहना, शब्दों के मूल भाव को समझना, अर्जित ज्ञान का प्रयोग करना। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हुआ।
तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा, नीचे से देखते हैं, डी ऑप्शन में लिखा अर्जित ज्ञान का प्रयोग करना नहीं, शब्दों के मूल भाव को समझना नहीं, विद्यार्थी को बिना देखे शब्द लिखने के लिए कहना नहीं, ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्योंकि यहाँ पे लिखा कि विद्यार्थियों को शब्दों को पहचानने के अवसर, मैं बोला हूँ कि जहाँ पे अवसर रहे तो वो ऑप्शन क्या होते हैं, सही होते हैं, तो इसलिए अवसर वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले की तरफ चलते हैं। अगला हम लोग का, भाषा की अध्यापिका द्वारा व्याकरण शिक्षण से पूर्व बच्चों के ज्ञान का परीक्षण करने का उद्देश्य है। व्याकरण शिक्षण मतलब पढ़ाने, जो व्याकरण पढ़ाना है उससे पूर्व बच्चों के परीक्षण करने का उद्देश्य क्या हो सकता है? विद्यार्थियों की क्षमता के अनुसार शिक्षण विधि का चयन करना। अगला है हम लोग का, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए, विद्यार्थियों के व्याकरण के ज्ञान को जानने के लिए, उपरोक्त सभी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए इसमें सभी लोगों ने बताया ऑप्शन नंबर डी। तो देखते हैं, विद्यार्थियों की क्षमता के अनुसार शिक्षण विधि का चयन करना क्या है हमारा सही है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुदृढ़, सही बात है कि अधिगम प्रक्रिया को सबसे अच्छा बनाने, सुदृढ़ बनाने के लिए। अगला है विद्यार्थियों के व्याकरण के ज्ञान को जानने के लिए भी, तो तीनों ऑप्शन हमारे क्या है, सही है। तो ये तीनों नहीं होंगे क्योंकि लास्ट में दिया है उपरोक्त सभी, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत बढ़िया, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हम लोग का क्वेश्चन नंबर 24, इसमें लिखा है कि पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम, देखिए यहाँ पे लिखा है सबसे कम, क्या लिखा है, सबसे कम महत्वपूर्ण है, क्या है, कहानी पर आधारित व्याकरण समझना या समझाना, कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना, कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना, कहानी का अंत बदलवा देना, कौन सा सही होगा? 24 का करेक्ट आंसर दीजिए कि पढ़कर समझना कुशलता का विकास सबसे कम महत्वपूर्ण किसमें होगा। ये तो सही है, कहानी पर आधारित प्रश्न, कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना सबसे कम जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्याकरण यहाँ आ गया है, व्याकरण समझाना कहानी में जो आधारित व्याकरण है यही हमारा सबसे कम महत्वपूर्ण हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हम लोग का, भाषा के कौशल हैं, तो अभी अब बताया गया था ऊपर कि हम लोग बताए हैं कि भाषा के जो कौशल होते हैं वो कितने होते हैं, चार होते हैं। तो कौन कौन से हैं, लिखना समझना पढ़ना स्मरण करना, पहला ऑप्शन था। दूसरा है सुनना बोलना पढ़ना लिखना, अगला है बोलना पढ़ना लिखना समझना, और चौथा है पढ़ना लिखना सुनना समझना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होता है वह है, सबको पता है कि भाषा कौशल जो होते हैं कि चार हैं, तो कौन कौन से हैं, सुनना है पहला, दूसरा है बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले की तरफ चलते हैं। अगला है पठन का प्रकार है, पठन का जो प्रकार है वह कैसा होता है? पठन का प्रकार है ध्यान मग्न पढ़ना होता है, एकाग्रचित पढ़ना होता है, द्रुत पठन, अर्थ ग्रहण पठन, कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें देखिए ध्यान मग्न पठन भी है, एकाग्रचित पढ़ना, अर्थ ग्रहण करना, लेकिन जो सबसे अच्छा ऑप्शन है द्रुत पठन, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हम लोग का क्वेश्चन नंबर 27, 27 में है कि भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? ऑप्शन है द्विभाषी विधि, अगला है अनुवाद विधि, और तीसरा है व्याकरण एवं अनुवाद विधि, और चौथा है प्रत्यक्ष विधि।
भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाई जाती है? तो वह हमारा ऑप्शन होता है सही प्रत्यक्ष विधि। कौन सा सही होता है? प्रत्यक्ष विधि। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हम लोग का क्वेश्चन नंबर 28। 28 में बोल रहा है कि भाषा आकलन की प्रक्रिया पाठ के अंत में दिए अभ्यासों के माध्यम से होती है, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है, और अगला है केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है। तो सिंपल सी बात, जहां पे भी केवल है वह गलत है, तो यहां भी गलत, एक भी गलत, हमारा सी ऑप्शन भी नहीं है और डी ऑप्शन भी नहीं है। अब ए और बी में बताइए कौन सा सही होगा। पाठ के अंत में दिए अभ्यासों के माध्यम से होती है या सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, तो हमारा ए भी नहीं होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सीखने सिखाने के दौरान भी चलती रहती है। जो भाषा या बोलने की भाषा का आकलन जब करते हैं तो पढ़ा भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं, वहां पे सीखने सिखाने के दौरान भी चलती रहती है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। 29 में है प्राथमिक स्तर पर बच्चे, प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं? जो तुकांत ना हो, जो तुकांत ना हो, तो ये तो होगा नहीं, जो कोई सीख देती हो, जो कोई क्या करती हो, सीख देती हो, जो लय लयात्मक और गैयात्मक हो, अर्थात लय के साथ हो या गैयात्मक हो, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहां पे देखिए पहला ऑप्शन तो जो था वो कट गया, तो डी वाला भी कट गया, तो कौन सा बचा? बी बचा, और बी बचा है और सी बचा है, तो बताइए कौन सा सही होगा। तो इसमें हमारा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं, कविताएं पसंद करते हैं, जो कोई सीख देती हूं, क्या है, जो कोई सीख देती हो, ये नहीं कि लय हो इसमें, ऐसा कुछ नहीं है, जो कोई सीख देती हो, वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन क्या हो गया? गलत, और ए कट गया, सी कट गया, और डी, तो ए बी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है मारिया मॉन्टेसरी द्वारा, मारिया मॉन्टेसरी द्वारा प्रतिपादित विधि कौन सी है? वाक्य विधि है, संपर्क विधि है, कहानी विधि है, अनुकरण विधि है, बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो मारिया मॉन्टेसरी द्वारा प्रतिपादित जो विधि है वह वाक्य विधि नहीं है, पहला तो कट गया, दूसरा हमारा है संपर्क विधि, तीसरा है कहानी विधि, और चौथा अनुकरण, अनुकरण विधि भी नहीं है, कहानी विधि भी नहीं है, तो डी और सी और ए कट गया, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ? संपर्क विधि। तो ए आज थे शिक्षण, हिंदी के शिक्षण से अति महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चंस। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारा टेलीग्राम चैनल है शंकर स्टडी पॉइंट, व्हाट्सएप नंबर है 7380864। शंकर स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो को विद्यार्थी सबसे पहले देख सके। और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी इसको कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए। थैंक्स।